जब उनके बारे में सोचते हैं तो तीन चीज़ें सीधी माइंड में आती हैं। पहला तो नॉन वायलेंस, दूसरा धर्मनिरपेक्षता और तीसरा सबसे छोटे आम आदमी के बारे में सोचना। आज तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ, हिंदू और क्रिश्चियंस को लड़ाओ, मुसलमानों को दूसरा दर्जा के सिटीजन्स बना दो। तो वहाँ पर भी गांधी जी की आज बहुत ज़रूरत है, रिलेवेंस है। गाय के नाम पर जो हिंसा करी जा रही है या रोमियो स्क्वाड के नाम पर जो हिंसा करी जा रही है, तरह तरह से हिंसा करी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा चल रही है, इसलिए भी अहिंसा का जो मैसेज है वो सारे यूथ के लिए और ख़ासकर आज मुसलमान यूथ के लिए जो आज इसके रिसीविंग एंड पर हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसान के लिए भी गांधी के बहुत मायने हैं, क्योंकि गांधी ने ही बोला था कि भाई हमको गाँव में छोटे छोटे उद्योग लगवाने चाहिए और गाँव का विकास करना चाहिए और किसानों का विकास करना चाहिए। वो सब तो अब दूर दूर तक सरकारें नहीं सोचती, और आज तो ये हो गया है कि भाई गांव ख़त्म हो जाएं, सब लोग शहरों में आ जाएं, खेती चाहे ख़त्म हो जाए, हम सारा अनाज जो है इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब इस तरह की पॉलिसी चल गई हैं आज तो इसलिए किसानों की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है कि 4 लाख किसानों ने पिछले 20 साल में आत्महत्या कर ली इस देश में। और ये सर्वधर्म संभाव वाली जो बात है इसके बारे में बहुत कुछ बोला है, लिखा है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो लोग, जो शासक वर्ग है, वो तो गांधी का नाम ज़रूर लेते हैं लेकिन वो गोडसे के भक्त हैं जिन्होंने गांधी की हत्या करी, गांधी के विचार से बिल्कुल खिलाफ उनके विचार हैं। तो गांधी को धीरे धीरे टेक्स्ट बुक्स में से हटाकर वो आरएसएस के सवारकर और इस तरह के लोगों का इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में, जिनके विचार गांधी जी से बिल्कुल विपरीत थे।